दोस्तों भोजपुरी फिल्मों में जितने भी स्टार हैं, पावर स्टार, सुपर स्टार या फाइव स्टार, सेवन स्टार, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो या कल्लू हो, अगर बिहार के कल्चर को ये स्टार भोजपुरी कल्चर से भर देना चाहते हैं तो सबसे पहले अश्लील भोजपुरी फिल्में और अश्लील भोजपुरी गाने बनाना बंद करें। और मैं चैलेंज करता हूं न्यू भारत के प्लेटफॉर्म से, जो अश्लील फिल्में या अश्लील गाने आप लोग गाते हैं, बनाते हैं, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, कल्लू हो या कोई भी सिंगर कलाकार हो, उस अपने ही गाने को, अश्लील गाने को, फिल्मों को अपनी माँ बहन बेटी के साथ देखे और सुनकर बताए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी भोजपुरी कलाकार माँ बहन बेटी के साथ वह गाना नहीं सुन सकते जो आप खुद गाते हैं। और अगर आप खुद के गाने अपने परिवार में बैठकर नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, तो आप पूरे भोजपुरी समाज को अश्लील गाने कैसे परो सकते हैं। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों के ज्यादातर ऐसे गाने होते हैं और ऐसे गाने आ रहे हैं जिसमें भाभी को ऐसे पेश किया जाता है जैसे वह भाभी नहीं किसी की रखैल है। हमारी कल्चर में भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। अश्लील गाने वाले सिंगर खुद अश्लील है और भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को सेक्स वर्कर की तरह पेश करते हैं। एक गाना आया है खेसारी लाल यादव का, माजा नहीं भातार में। भातार बिहार में गाली के रूप में बोला जाता है, भातार या भातरा, लेकिन ये वर्ड भोजपुरी गाने में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप अपनी बहन के पति को बहन का भातार बोल सकते हैं? नहीं ना। तो गाने में शब्दों का चुनाव सही कीजिए। और भोजपुरी भक्ति गाने में भी डबल मीनिंग वर्ड का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भोजपुरी फिल्में गाने एल्बम में ढोड़ी चोली पेट को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है कि ढोड़ी ढोड़ी नहीं, चोली चोली नहीं, पेट पेट नहीं, बल्कि कामुकता के लिए प्रदर्शन करने का वस्तु है। इस तरह की बातें खेसारी लाल यादव को बहुत चुभता है। खेसारी लाल यादव बार बार कहते हैं कि अश्लील गाने को लेकर सबसे ज्यादा उन्हें ही टारगेट किया जाता है। अरे भाई क्यों ना करें, सबसे ज्यादा गाने तो आप ही गाते हैं ना, और कोई भी गाना ऐसा नहीं है जिसमें अश्लीलता ना हो। और ये मत भूलिए कि आप भोजपुरी के सीनियर एक्टर हैं, पवन सिंह भी हैं। आप लोगों को देखकर नए सिंगर भी अश्लील गाने और ज्यादा गाते हैं। इसके जिम्मेवार आप लोग हैं, आप सभी हैं। सोचिए यदि आप सभी बच्चे होते स्कूल में और मैडम भोजपुरी गाना गाने को बोलती तो गाना कौन सा गाते? यही ना, ढोड़ी धा के छील दा। मैडम पिछवाड़े पर ऐसा लात मारती कि आप मुंह देते। भोजपुरी गाने मूवी को सभ्य समाज में तभी पेश किया जा सकता है जब उसमें अश्लीलता नहीं हो। आप कौन सा बिहार बना रहे हैं? बिहार की संस्कृति को भोजपुरी गाने और फिल्मों के नाम पर बेच रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, भोजपुरी से आप हैं, भोजपुरी ने आपको बनाया है, आपसे भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी को आपने बेचा है और धन अर्जन आपने किया है, आपने भोजपुरी को नहीं बनाया है। तो भोजपुरी का मालिक मत बनिए। पवन सिंह कहते हैं भोजपुरी का लेवल क्या होता है हमने दिखाया है। भोजपुरी में सबसे पहले 100 मिलियन हमने दिखाया है और जहां हम रेखा खींच दिए हैं वहां बाकी के कलाकार रेंग रहे हैं। तो मैं आपको गलत साबित कर सकता हूं, आप गलत हैं पवन सिंह जी। आप नशे के चूर में ये भूल गए हैं कि आपके पैदा होने से पहले मोहम्मद रफी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मन्ना डे जैसे बॉलीवुड के लीजेंड सिंगर भोजपुरी गाना गाते थे। इसके बाद मनोज तिवारी का भोजपुरी में बड़ा योगदान है, उसके बाद ही आप आए हैं। लेकिन आप पवन सिंह जी क्या गाते हो? साड़ी से ताड़ी भर जात ढोरी पसीना से। आपकी और आपके जैसे सिंगर के चलते अश्लील गाने और उसके व्यूज को देखकर आज के समय में हर जिले में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा म्यूजिक कंपनी है, 2 दर्जन से ज्यादा रिकॉर्डिंग स्टूडियोज है और हर गांव में 50 सिंगर ऐसे हैं जिनका न गला है न सुर का नॉलेज है, वो भी गाना गाते हैं और व्यूज बढ़ाने के लिए गाने के नाम पर अश्लीलता फैला रहे हैं। ऐसे गाने संभोग से शुरू होते हैं और संभोग पर ही खत्म हो जाते हैं। इसके जिम्मेवार आप लोग हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल जैसे सिंगर हैं। तेल लगा के मारम तो पीछे से फाड़ देम, तो तहरा चूल्हे में लौना लगा देम, तो सकेत बाए राजा अब न जाई तो खोल की ढुलाई ढुकाई। इस तरह के गाने बना रहे हैं आप। लेकिन इसके लिए हम सभी, यानी कि जितने भी बिहारी लोग, बिहार के लोग हैं, वो भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम ऐसे गाने को सुनकर उसका व्यूज बढ़ाते हैं, हम व्यूज देते हैं।
ऐसे गाने को तुरंत बायकॉट कीजिए दोस्तों, फिर अच्छे गाने अपने आप बनेंगे। और जो सिंगर साफ सुथरा गाना गा रहे हैं उसको बढ़ावा दीजिए, नए सिंगरों को चांस दीजिए जो उसके सही में हकदार हो। और बिहार सरकार को भी इसके लिए सेंसर बोर्ड का गठन करना चाहिए। और इस टाइम सेंसर बोर्ड नहीं बना दोस्तों बिहार में, तो भोजपुरी में भोजपुरी गायब हो जाएगी, शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी और रह जाएगी मृत शरीर के रूप में अश्लीलता, सिर्फ अश्लीलता। मैं नवीन कुमार, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।